हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो। मैंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया हुआ था जो कि मुझे आज रिसीव हो गया है। तो देखिए, मैंने रियलमी 8 5G ऑर्डर किया हुआ था जो कि मुझे कुछ इस तरह के आउटर पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। आप देख सकते हैं, इसे मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था। एंड बात करें मोबाइल के बॉक्स के डिज़ाइन की, तो ये तो सेम रियलमी 8 जैसा ही इसमें दिया हुआ, बस यहाँ पर कुछ फीचर्स इन्हें हाईलाइट किए हुए हैं। एंड ये सुपरसोनिक ब्लू में मुझे रिसीव हुआ है, मैंने यही कलर सेलेक्ट किया हुआ था। तो चलो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि इस मोबाइल में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक ये मोबाइल केस मिल जाता है, और इससे हमें लैपटॉप टूल मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, वारंटी कार्ड वगैरह। तो इसे हम अभी साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है कि बहुत ही क्यूट सा मोबाइल फ़ोन, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसे भी हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हमें एक टाइप सी केबल मिल जाता है, और एक यहाँ पे हमें 18 वाट का चार्जर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें तो सभी मोबाइल फ़ोन में प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं मोबाइल को ओपन करके दिखा देती हूँ। इसे सुपरसोनिक ब्लू कलर में मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, एंड काफ़ी स्लिम टाइप का दिख रहा है, लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसे बूट कर लेती हूँ। तो मैंने मोबाइल को बूट कर लिया है और सारा इसका सेटअप कंप्लीट कर लिया है। तो बात कर लेते हैं अब हम मोबाइल में हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें हमें मिल जाता है डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर एंड 90Hz स्मूथ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 5000 बैटरी प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आराम से हमें से इसके मतलब इस मोबाइल को हम कंटिन्यू 2 दिन तो आराम से चला ही सकते हैं। एंड बात करें बैक कैमरा की, तो ये हमें मिल जाता है 48 मेगापिक्सल, और सेल्फी कैमरा 60 मेगापिक्सल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर हमें कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें कि हम एक मेमोरी कार्ड और 2 SIM कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड बात करें इसके स्टोरेज की, तो ये हमें 4GB रैम एंड 64GB रोम के साथ मिल रहा है। और डिस्प्ले जो है इसका, ये 60.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया है। एंड ये साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। एंड पावर बटन का भी काम हम यहीं से कर सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं स्पीकर और माइक्रोफोन वगैरह। एंड यहाँ पर हमें अप डाउन वॉल्यूम बटन मिल जाती है। एंड बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें हमें रियलमी UI 2.0 एंड्रॉयड 11 प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कम से कम इन्हें एंड्रॉयड 11 हमें इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो बात करें इस मोबाइल के प्राइस की, तो अभी जितने भी जितने भी 5G फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उनमें सबसे चीप प्राइज में यही रियलमी एक तो अंडर 50,000 हमें मिल रहा है। एंड अगर हम फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमें कुछ ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो 40,000 के अप्रॉक्स हमें मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं 5G फ़ोन परचेज़ करने का, तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी 5G फ़ोन आ रहे हैं, उनमें सबसे मतलब फीचर्स भी इसमें हमें अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी बहुत ही कम है बाकी 5G मोबाइल के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें सस्ता टिकाऊ सुंदर फ़ोन परचेज़ करना है 5G, तो हम इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।